दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्चेस। दोस्तों, बर्चेस एक टाइप का पेड़ होता है, बहुत ही पतला सा लंबा सा पेड़ होता है जिसकी हाइट 50 फीट भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, बर्चेस ये जो पोएम है ये दिखाती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट थे। इस पोएम का मेन आइडिया सिंपल सा है, इस पोएम की लैंग्वेज सिंपल सी है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी आपको पोएम लगेगी, लेकिन बहुत ही कमाल की पोएम है दोस्तों। इस पोएम को माउंटेन इंटरवल नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया था 1916 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पोएम है, लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बर्चेस यहाँ पर एक पेड़ है, एक टाइप का ये पेड़ होता है, एक ट्री होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, 50 फीट लंबा भी हो सकता है, ये इतना पतला होता है ये पेड़। तो इस पोएम की फर्स्ट लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, व्हेन आई सी बर्चेस, जब मैं इन बर्चेस के पेड़ों को देखता हूँ, बैंड टू लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट की तरफ झुका हुआ देखता हूँ इन पेड़ों को, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, जहाँ इन पेड़ों की एक स्ट्रेट और डार्क लाइन बनी हुई है, अक्रॉस दीज लाइन, ये बर्चेस के पेड़ों को मैं लेफ्ट राइट झुका हुआ देखता हूँ, ये झुके हुए हैं, और ऐसा लगता है, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंग दैम। इस लाइन का मतलब यह है, स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना, ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने, कुछ छोटे लड़कों ने इन पर लटका है, मतलब इन पर झूला है। बट स्विंगिंग डजंट बैंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स टू। इस लाइन का मतलब यह है कि चलो ठीक है, उन छोटे लड़कों ने इस पर झूला भी होगा, इस वजह से ये झुक गई, लेकिन उन बच्चों के इस पर झूलने से ये डालियाँ इतने लंबे समय के लिए नीचे झुकी हुई नहीं रह सकती। जैसे बर्फ़ के तूफान आते हैं और इनको बैंड कर देते हैं, आइस स्टॉर्म्स का मतलब बर्फ़ के तूफान आते हैं, वो इनको ज़्यादा बैंड कर देते हैं इन पेड़ों को। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विथ आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन। इस लाइन का मतलब यह है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये पेड़ जो होते हैं ये बर्फ़ से लोड हो जाते हैं, इन पर बर्फ़ जम जाती है एक सनी विंटर मॉर्निंग में आफ्टर द रेन। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेज। इस लाइन का मतलब यह है कि जब हवा बढ़ती है, हवा चलती है, ब्रीज का मतलब यहाँ पे हवा है, तो दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, इनके चटकने, इस बर्फ़ के चटकने की आवाज़ आती है। एंड टर्न मैनी कलर, और सूरज की जो रे होती है, जो बीम होती है, वो अगर टूटी हुई बर्फ़ में से, आइस ब्रेक्स में से अगर पास होती है, तो 7 कलर्स का रेन, जैसे रेनबो बनता है, वैसे बहुत सारे कलर्स बनते हैं इस बर्फ़ पर। हैज़ द स्टर क्रैक्स एंड क्रीज इज दियर इनेमल। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि उस बर्फ़ के चटकने से उस बर्फ़ पर क्रैक्स आने लगते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं उस बर्फ़ की इनेमल पर, यानी उस बर्फ़ की ग्लासी परत पर। यहाँ पर दोस्तों इनेमल का मतलब है ग्लासी परत। सून द सन्स वार्म्थ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स। इस लाइन का मतलब ये है कि फिर जल्दी ही सूरज गर्म होने लगता है दिन के टाइम पर, और फिर बर्फ़ पिघलने लगती है, शेड होने लगती है बर्फ़ की क्रिस्टल शेल्स की तरह। और ये क्रिस्टल शेल्स, ये बर्फ़ की जो परत होती है, क्रिस्टल बर्फ़ की परत, ये पेड़ से गिरती है, शैटरिंग एंड एवलैंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। इन लाइनों का मतलब ये है कि जैसे कोई कांच का टूटा हुआ ग्लास हो, उस तरह से ये बर्फ़ गिर रही है। ये बर्फ़ जो है वो क्रस्टी है, किसी टूटे हुए ग्लास के टुकड़े की तरह यहाँ पर ये बर्फ गिर रही है और ख़त्म हो रही है। यू वुड थिंक द इनर डूम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इनर डूम ऑफ हेवन गिर गया हो। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड। इस लाइन का मतलब यह है कि इन पेड़ों की डालियों को, इन पेड़ों को बर्फ से दबाया गया है, इन पर लोड था, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, लेकिन ये डालियाँ टूटी नहीं, इन पर लोड पड़ा, ये मुरझा गई लेकिन टूटी नहीं। दो वंस दे आर बाउड, लेकिन ये जो है झुक गई तभी ये मुरझा गई। बाउड का मतलब होता है झुक जाना या मुरझा जाना। सो लो फॉर लॉन्ग, नीचे की तरफ लंबे समय के लिए। दे नेवर राइट देमसेल्व, लेकिन अब फिर से ये पेड़ उठकर खुद को पहले जैसा ठीक नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स। इसका मतलब ये है कि तुम देख सकते हो इन वुड्स में, इन जंगलों में, कि किस तरह से पेड़ों से बर्फ़ पिघलती है। हियर्स आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड।
और उस बर्फ़ के साथ साथ जो बर्फ़ गिरती है इन पेड़ों से, उसके साथ साथ पत्ते भी बर्फ़ के साथ ज़मीन पर गिरते हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दे थ्रू देयर हेयर, और इन पेड़ों की झुकी हुई टहनियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कियों ने अपने सर से बाल नीचे करके बालों को नीचे की तरफ झुका लिया है, और बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने सरों को नीचे की तरफ झुका लिया है और वो सूरज में अपने बालों को रोशनी से सुखा रही है, सूरज की रोशनी से सुखा रही है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोकन विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। इस लाइन का मतलब ये है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा था। यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं कि लेकिन मैं आपको कुछ और बता रहा था, लेकिन इन सब बातों में मेरे मुंह से सच निकल गया। इन सब आइस स्टॉर्म वाली बातों में, लड़कियों के बालों की बातों में, ये सब बोलते हुए सच निकल गया। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम। मैं तो यही मानता हूँ कि कुछ लड़कों ने ही इस पर लटक लटक के इन पेड़ों को बैंड किया है, आइस स्टॉर्म ने नहीं किया। एज ही वेंट आउट इन टू फैच द काउस, जैसे वो अपनी काउस को, गायों को चराने के लिए बाहर जाते हैं, आगे बोलते हैं सम बॉय, कोई लड़का, टू फार फ्रॉम द टाउन, टाउन से बहुत दूर रहता है, टू लर्न बेसबॉल, वो बेसबॉल नहीं सीख सकता। हुज ओनली प्ले वाज व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ, जिन चीज़ों के आसपास वो बड़ा हुआ है, जिन चीज़ों के आसपास वो रहा है, तो वहीं वो अपने खेलने की कोई चीज़ ढूंढेगा। समर और विंटर एंड ही कुड प्ले अलोन, वो अकेला समर हो या विंटर यहाँ पर इन पेड़ों पर लटक लटक के खेलता था, यही गेम खेलता है, मतलब ये लटकने वाला, पेड़ों पर लटकने वाला अकेला। ये पेड़ जो है ये उस लड़के के फादर के हैं, तो वन बाय वन, एक एक कर ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री, उसने एक एक करके अपने इन फादर के पेड़ों की टहनियों को मोड़ दिया। सबड्यूड का मतलब मोड़ दिया। बाय राइडिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर अगैन, मतलब कि वो इस पे राइड करता गया, बार बार राइड करके उसने इन पेड़ों की टहनियों को मोड़ दिया। अनटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ दैम, इस लाइन का मतलब यह है, स्टिफनेस का मतलब यह है उस पेड़ की कठोरता, मतलब कि जब तक कि वो उस पेड़ की कठोरता को, स्टिफनेस को ख़त्म नहीं कर दिया उसने, जब तक कि उसने इस पेड़ों की टहनियों से स्टिफनेस को ख़त्म नहीं कर दिया, तब तक वो उस पर लटकता रहा। एंड नॉट वन बट हंग लिम, नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर, मतलब कि एक भी पेड़ उसने नहीं छोड़ा, सब पे उसने राइड की और ऐसा लगा कि उसने इस पेड़ों पर, इन पेड़ों पर कॉन्कर, मतलब कि विजय पाली हो। ही लर्न ऑल देयर वॉज टू लर्न, मतलब कि वो सब कुछ सीख चुका था जो उसे सीखना था। अबाउट नॉट लॉन्चिंग टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, इस लाइन का मतलब यह है कि वो सब कुछ सीख चुका था, इन पेड़ों के इतना इन पेड़ों पर झूला था कि वो अब सब कुछ सीख चुका था कि इस पेड़ को कब चढ़कर इसको मोड़ना है, कितनी जल्दी नहीं दिखानी है, इस पेड़ से कब कूदना है कि ये डैमेज ना हो जाए, उसको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका था। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ऑफ ब्रांचेस, इस लाइन का मतलब यह है कि वो हमेशा पेड़ के ऊपर चढ़कर इस पर पॉइज यानी कि बैलेंस बनाकर रखता था, टॉप ब्रांचेस पर, क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत ही केयरफुली वो चढ़ता था। विद द सेम पेंस यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, इस लाइन का मतलब यह है कि जिस तरह से कोई इंसान किसी कप को केयरफुली भरता है पानी से कि पानी बाहर ना गिर जाए, उसी तरह वो बैलेंस बनाकर ऊपर चढ़ता है टॉप ब्रांचेस पर। देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट विद द स्विश किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, इस लाइन का मतलब यह है कि जब वो इस पेड़ की टॉप पर पहुंच जाता तो अपने पैरों को बाहर की तरफ लेता है और एक स्विश के साथ हवा में झूलता हुआ नीचे आता है ग्राउंड पर, मतलब ये उसका स्टाइल है ऊपर जाने का और एक स्विश के साथ नीचे हवा में तैरता हुआ एक तरह से ग्राउंड पर आने का। सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, मतलब यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं कि मैं भी कभी इन बर्चेस के पेड़ों पर झूला करता था, स्विंग किया करता था। एंड सो आई ड्रीम, लेकिन अब मेरा सपना है ऑफ गोइंग बैक टू बी, कि मैं फिर से वैसे ही झूलूँ अपने बचपन में जाकर, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मेरा सपना है। इट्स व्हेन आई एम वियरी ऑफ कंसिडरेशन, और ये सब मुझे तब फील होता है जब मैं उदास और थका हुआ होता हूँ,
और सोचता रहता हूँ, कंसिडरेशन में होता हूँ इस एक्टिविटी के बारे में, तब मैं सोचता हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, मतलब कि ये ज़िंदगी जो है एक जंगल की तरह है जिसका कोई रास्ता नहीं है। एंड योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉब वेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट, एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि सूरज की गर्मी से मेरा चेहरा जल रहा है और मैं इस मकड़ी के जाले में फंस गया हूँ, ज़िंदगी के मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ, और मेरी एक आंख रो रही है क्योंकि उसमें कुछ चला गया है, उससे पानी निकल रहा है। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अवाइल। इस लाइन का मतलब यह है कि मैं दुनिया से थोड़े टाइम के लिए चला जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अवाइल, सर्च से चला जाना चाहता हूँ, एक ब्रेक चाहता हूँ। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और फिर वापस आकर अपने काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर पॉइंट कम्प्लीटली मरना नहीं चाहते, बल्कि वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं, हमेशा के लिए मरना नहीं चाहते। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंडिंग, इस लाइन का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि फेट जानबूझकर मेरी इस बात का गलत मतलब ले लें और मेरी आधी इच्छा को पूरी करें। एंड हाफ ग्रांट का मतलब मेरी आधी इच्छा को पूरी करें, व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे, छीन कर, स्नैच का मतलब छीन कर इस दुनिया से दूर ले जाए। ये तो इच्छा पूरी कर दे लेकिन आधी पूरी ना करें, नॉट टू रिटर्न का मतलब आधी इच्छा पूरी ना करें, मैं लौट कर आ ही ना सकूं। अर्थ द राइट प्लेस टू लव, यहाँ पर पॉइंट कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि अर्थ एक सही जगह है प्यार करने के लिए। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इससे बेहतर कोई अच्छी जगह है या नहीं, और शायद वो जानना भी नहीं चाहते। अब इस पोइम की लास्ट लाइनों में पॉइंट बोलते हैं, आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्ड्स ट्री, कि मैं एक बर्ड्स ट्री पर चढ़ना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक टुवर्ड हेवन, हेवन की तरफ, टिल द ट्री कुड बियर मी नो मोर, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि ये पेड़ अब और नहीं झेल सकता और सहन नहीं कर सकता, बट डिप्ड इट स्टॉप टू सेट मी डाउन अगैन, और फिर मैं वहाँ से कूद जाऊँ, इसके टॉप से कूद कर वापस नीचे आ नॉर्मल लाइफ में। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वन कुड डू वर्स देन बी स्विंगर ऑफ बर्चेस। इस लाइन का मतलब यह है कि यही रहेगा ऊपर और नीचे जाना, इस बर्चेस के ट्री पर झूलना ज़िंदगी को ठीक बनाने के लिए, एक तरह से प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा पाने के लिए। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही।